हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की दशा और दिशा को बदलने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कमर कस ली है। आज वह अंबाला छावनी के सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर विज ने बन रहे कैंसर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अब हरियाणा के अस्पताल उन्हें टूटे फूटे नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे चाहिए जो सेंट्रलाइज एसी हों, जबकि टूटे पंखे उतर जाएं। विज ने वहीं अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अनिल विज का कहना था कि वह अब स्वास्थ्य अस्पतालों को पूरी तरीके से सुधारना चाहते हैं और इनको अपडेट और अपग्रेड करना चाहते हैं। क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने, आप खुद सुनिए। बिल्कुल, सारा जो हरियाणा के सिविल अस्पताल इन सारों को अपग्रेड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे। और मैंने विभाग को ये भी कहा है कि सारे अस्पतालों को एयर कंडीशन करवाया जाए और उनमें देखा जाए, जहाँ जहाँ पर नई बिल्डिंग बननी है, गुड़गांव में हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं और वो 8 मंजिला बना रहे हैं, 500 बेड का अस्पताल वहाँ पर बना रहे हैं, उसका नक्शा वो किया और उसका कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है पूरी तरह से। और जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है उनसे हम सारे अस्पतालों को उपयुक्त करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी सारों को एडवांस करना चाहते हैं, सारे एडवांस करते हैं। ये सब आमतौर पर MRI मशीन एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका काफ़ी कमी महसूस होती है। नहीं, MRI हमारे कई अस्पतालों में चल रही है PPP मोड, और ये भी मैंने कल कहा है कि वो देखें कि कहाँ कहाँ पर और हमारी ये कैथ लैब लग सकती है और कहाँ कहाँ पर हमारी जो डायलिसिस की यूनिट है, वैसे 14 जिलों में इस वक्त चल रही हैं, बाकी जिलों में भी लग सके, उसके लिए भी मैंने कहा है। और मैंने ये भी कहा है कि ये भी देखा जाए कि क्या हार्ट सर्जरी हमारे सिविल अस्पताल में हो सकती है और उसको करवाने का भी इंतज़ाम किया जाए, और अगर ये हो जाता है तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल होगा कि सिविल अस्पताल में हार्ट सर्जरी हो।